सोलन में आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या से शहरवासी रोज जूझ रहे हैं। शहरवासी देर रात अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जरूरी कार्य के लिए रात को अपने घरों से बाहर निकलता है तो कुत्तों के झुंड उसे झपटने पड़ जाते हैं। विशेष रूप से दो पहिया वाहन चालकों के लिए ये खतरा बना हुआ है। जब कुत्ते झुंड बनाकर दो पहिया वाहन चालकों के पीछे भागते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके चलते कई शहरवासी चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बाजार में आवारा पशु भी बहुत हो गए हैं, जिनके कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। इसलिए सोलन नगर परिषद और सोलन प्रशासन को चाहिए कि वे इस बारे में कोई कार्रवाई अमल में लाए, ताकि समस्या से लोगों को निजात मिल सके। सोलन शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन में आवारा कुत्ते और पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जहां एक ओर गंदगी फैल रही है, वहीं दुर्घटनाग्रस्त लोग भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों के डर से शहरवासियों का घर से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि लोग सुबह सैर करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया था, लेकिन यह अभियान अभी फेल हो गया है, जिससे फिर से चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के कानों पर जीपीएस टैग लगाने की मुहिम सरकार द्वारा चलाई गई थी, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से वे असफल है, जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी जीपीएस टैग जानवरों के कानों पे जो लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए, जिससे ओनर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, लेकिन आज तक वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन ये बड़ा एक ज़रूरी है कि जो जानवर, जिस पशु, जिस मालिक का है, वो उसका उसको यूज़ करके जब उसका प्रयोग पूरा हो जाता है तो वो सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये बड़ी दुखद समाचार है। एक तरह तो हम हिंदू समाज में ये बात करते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन उसका आदर भाव नहीं होगा। और इसी के अंदर दूसरा मुद्दा आता है हमारे यहाँ की शहर में, जो आप पूरे नगर में जो ये डॉग्स हैं, ये स्ट्रे डॉग्स जिसको कहते हैं, आवारा कुत्ते, तो इसके अंदर इतनी, आप आज की डेट में अगर कोई टू व्हीलर चला रहा है, अगर आप राजगढ़ रोड पे कुंडीदार से आगे तक शांति तक जाते हैं तो कुत्ते 10-10, 12-12 उनके पीछे लग जाते हैं, और उसमें एक्सीडेंट की पूरी चांसेस हैं। कोई बुजुर्ग हमारे जितने भी सैर करने के लिए, आप ये देखिए कि आजकल अपनी बॉडी को फिट करने के लिए सुबह आपको उठ को सैर पे जाना है, लेकिन इतना खतरा है, इतने स्ट्रे डॉग्स हैं कि कोई ना कोई, किसी ना कोई, कभी अपने आप को बचाना भी मुश्किल। 15-15, 10-10 के ग्रुप में चलते हैं। उसका मैं एक सोल्यूशन यही है कि सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहले योजना बनाई थी, स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स, उसमें मेल और फीमेल दोनों डॉग्स की स्टरलाइजेशन होता है, लेकिन वो किताबों में ही रहेगी। एक बार वो गलती से स्टरलाइजेशन शुरू भी हुआ था तो उसको इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, एनजीओ ने किसी ने किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से नगर परिषद को भी मैं ध्यान देना चाहता हूँ। हमने 3-4 पार्षद के ध्यान में भी ये बात लाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुई कि आप इसका डॉग्स के स्टरलाइजेशन करें। आपके शहर में गंदगी कितनी फैल रही है, पहले ही शहर के ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद जानवर इतना हो गया है, और एनिमल्स में पर्टिकुलर डॉग्स, और डॉग्स को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो इसकी स्टरलाइजेशन जरूरी है, ताकि आगे हम एनिमल राइट्स में, हमारा भी है कि इस धरती पे हर आदमी को रहने का, हर जानवर को रहने का, इकट्ठे रहने का पूरा हक है। लेकिन एक जो है एनिमल राइट्स जो है वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जी आप कुत्तों को मारो ना, हम भी ये चाह रहे हैं कि उनको मारा ना जाए, लेकिन स्टरलाइज करा दिया जाए, ताकि उनकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़े और आम आदमी को दिक्कत ना आए। जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जितने भी आज शहर के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं, वो उनकी नाकामियों का भी, जब तक उनके लिए पशु आहार का रूप में काम करते हैं, तब तक गांव वाले उनको अपने पास रखना पसंद करते हैं, और जैसे ही वो पशु उनके मतलब के नहीं रह जाते हैं तो वो उनको शहरों में छोड़ देते हैं। रही स्ट्रीट डॉग की इस बात, आज सोलन शहर में स्ट्रीट डॉग की संख्या बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और काटने की घटनाएं भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम प्रशासन से ये भी मांग करेंगे कि इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई अच्छी एक नीति लाई जाए, ताकि पशुओं को ऊपर अत्याचार भी ना हो और लोगों की समस्याओं को भी दूर किया जा सके। इस तरह की नीतियां सरकार व प्रशासन को बना